हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मिर्च लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। जब फ्रिज में मिर्ची रख रखे लाल हो जाती है और वह फेंकने में जाती है, तो उसे फेंके नहीं, उससे ये चटनी बनाएं। मैंने भी वही किया है, मैंने इस मिर्ची को फेंका नहीं है, उसकी अब चटनी बनाकर और स्टोर करके रख दूँगी। एक कटोरी मिर्ची के साथ मैंने एक कटोरी लहसुन ली है, 7-8 नींबू लिए हैं, आधी कटोरी नमक लिया है, नींबू का हम रस निकाल लेंगे। अब हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। सबसे पहले हम मिर्ची डालेंगे, मिर्ची डालने के बाद लहसुन, लहसुन के बाद हम नमक डालेंगे, आधी कटोरी नमक लिया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और ले लेंगे। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, अभी आधा ही डालेंगे आधा पीसने के बाद। चटनी अभी आधी ही पीसी है, अब इसमें पूरा नींबू का रस डाल के इसे फिर से पीस लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे क्योंकि चटनी दरदरी अच्छी लगती है। अब मैं आपको चटनी दिखा रही हूँ, देखिए मैंने इसे बहुत प्लेन नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा रखा है। अब हम आते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे। मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, घर में खाने वाला तेल भी चलेगा। अब मैं इसे पूरी चटनी डाल दूंगी और इसे मध्यम आंच पर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इस चटनी का कलर कुछ खास नहीं आया है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी ताकि ये चटनी देखने में भी बहुत अच्छी लगे। आप अगर फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा है, अपनी इच्छा अनुसार नमक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चटनी अब ड्राई हो गई है, लगभग बनकर तैयार हो गई है, इसलिए अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। ठंडा होने तक चटनी को कढ़ाई में ही रहने दें, उसके बाद किसी भी स्टोरेज कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। ये चटनी देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है और इसकी टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो अब आप इस चटनी को किसी भी पराठे के साथ या किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट रहे।